जामताड़ा जिले के कर्माटाड़ प्रखंड की बीडीओ पल्लवी सिन्हा का स्थानांतरण दूसरे ब्लॉक में हो गया है। स्थानांतरण के बाद रविवार की देर शाम को कर्माटाड़ प्रखंड स्थित सरकारी आवास को खाली करने पहुंची थी। एक पिकअप वैन पर सारे घरेलू सामान की पैकिंग भी हो गई थी। इस बीच जब सारे घरेलू सामान पिकअप वैन पर लोड हो गई और गाड़ी स्टार्ट होने वाली थी कि बीच रास्ते में दुर्योधन मंडल नामक एक युवक फिल्मी अंदाज में गाड़ी के सामने आया और उसने तत्कालीन वीडियो साहिबा के घरेलू सामान को पिकअप वैन में ले जाने से रोक दिया। दुर्योधन मंडल का कहना था कि पिछले लॉकडाउन में वीडियो साहिबा के कहने पर कर्माटाड़ प्रखंड परिसर में क्वारंटीन प्रवासी मजदूरों को 3 टाइम का भोजन कराया था, जिसमें भोजन के एवज में 2,58,000 रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन सिर्फ 1,55,000 रुपए का भुगतान हुआ, जबकि बाकी राशि के लिए वह 1 साल से प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहा था। पल्लवी सिन्हा ने बताया कि अब वे यहाँ की वीडियो नहीं है और नए वीडियो उनका भुगतान करेंगे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। बाद में थाना प्रभारी रजनीश आनंद के हस्तक्षेप के बाद करीब 3 घंटे के बाद वह अपना सामान ले जा सकी। वीडियो का सामान रोक दिए, काहे रोके थे? करम टाइम में खाना खिलाए थे, 1,03,000 रुपया पाते थे, इसीलिए इसका सामान रोके थे। कौन था वीडियो उसमें? पल्लवी सिन्हा था। और अभी छोड़ क्या दिया उसका गाड़ी? उसको छोड़ दिया, बड़ा वो बोला कि जो वेंडर है उसे हम करके पैसा दिला देंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।